हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं, मुझे लगा कि व्लॉग जरूर करना चाहिए। कबीर का हेयर कट होने वाला है, लेकिन कबीर इंडिपेंडेंटली आज मेरे साथ जा रहा है। मम्मी नहीं है, क्योंकि मम्मी को कुछ घर पे काम है, और हमने सोचा कि मम्मी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अलग से टाइम देते हैं और फादर एंड सन एक्सक्लूसिव टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं। तो कबीर अपनी फ्रूटी लेके बिल्कुल रेडी है और वो कुछ कुछ बातें मुझे सुना रहा था। कबीर क्या बोल रहे थे अभी हनी बीज के बारे में? Honey bees was in the lava. Then you got scared? Haircut. ठीक है, कबीर की कार सीट पीछे पड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं बैठ सकता उसमें, तो अभी ये एडल्ट की तरह सामने बैठा हुआ है, कार सीट लगाई हुई है, फ्रूटी पी रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है। चले कबीर, आपका सेमिनार कैसा गया जो आपने ऑनलाइन अटेंड किया, द स्टोरी टेलिंग क्लास, वो नहीं बताया आपने? ओके, एंड क्या बोले भैया को? बोलते हैं कि कोई अच्छा सा हेयर कट दे दो, बट शॉर्ट की लॉन्ग? Very short. Yeah, short is nice. I also got a haircut, short one. कितना छोटे छोटे बाल करा लिया आपने, आप बिल्कुल डैडी जैसे लग रहे हो। डैडी के छोटे बाल, कबीर के छोटे बाल, बस कबीर फेयर है बहुत ज्यादा। तो कबीर ने बहुत अच्छी तरह अपना हेयर कट कराया, हिज बीन अ वेरी बिग बॉय हेयर कट के मामले में, तो क्योंकि पहले दिन से ही, पहले हेयर कट से ही वो बिल्कुल रोया नहीं है कभी, और आज भी उसने बहुत अच्छा हेयर कट कराया। उसको साथ में ट्रिमर वगैरह भी लगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और हेयर कट भी जो है वो अच्छा आया, क्योंकि कबीर को भी छोटे बाल चाहिए थे, मुझे भी छोटे बाल चाहिए थे। घर जाके इसको मैं मसाज करूंगा, एक हेड मसाज दूंगा, उसके बाद बाथ दूंगा, और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। नहीं, नहीं मतलब नो बाथ, बट यस हेड मसाज। नो, अच्छा हेड मसाज भी नहीं चाहिए, बाथ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बड़ा हो गया, अपने डिमांड्स वगैरह रखना शुरू हो गया, बट आई एम द डैडी, यू डू व्हाट आई आस्क यू टू डू। कबीर, हाउ अबाउट दैट? या तो गाइस घर में आ गए हैं, और घर में कबीर का सरप्राइज आया हुआ है। मैंने ये कलाइडोस्कोप मंगाया था, ये सेट ऑफ 12 पीसेस कलाइडोस्कोप है ऑनलाइन अमेज़न से, तो देखते हैं कैसा है ये। कबीर, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? ओके, चलो इसको ओपन करते हैं, और 3, वाओ, इट हैज सो मेनी। डैडी विल गिव यू, सो लेट्स ट्राई द ब्लू वन, सी फ्रॉम हियर। ना एक मिनट, यहाँ से देखो, अच्छा इस तरफ से देखो, उधर देखो, सूरज में देखो। What can you see? क्या बात है कबीर, ये तो अलग अलग पैटर्न है ना हर एक में। कबीर saw a big भैया playing in the park with this, and he came back and requested that he wants this. Nice. So, good one, कबीर। But कबीर आप अपने लिए खेलोगे कि कुछ फ्रेंड्स को भी दोगे? Give this to Sinana. And? This to Nasha. Okay. This to कबीर भैया। ओके, और कबीर के लिए ये कल बुक्स भी लाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। थोड़े बहुत बुक्स लाया था मैं, ये है क्लासिक वर्ल्ड फॉर लिटिल वंस। कबीर के पास और भी राइम्स की बुक है, बट ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसके साथ, इसमें राइम्स के साथ साथ कुछ स्टोरीज भी हैं। जिंजर ब्रेड मैन की स्टोरी है। हाँ जी, आ गया, देखो क्या है इसके अंदर। और ये है लायन किंग। लायन किंग तो एक क्लासिक टेल है ही है, और ये काफ़ी पिक्चर बुक है स्टोरी के साथ साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कबीर को लायन किंग बड़ा अच्छा लगता है, तो बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और कबीर आजकल डायनासोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये डायनासोर स्टिकर एटलेस मुझे मिला, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये जितने भी डायनासोर्स हैं, इनका नाम लिखा हुआ है, और ये सारे स्टिकर्स हैं, और ये स्टिकर्स को निकाल के
यहाँ पे एक मैप है बहुत बड़ा, इसके अंदर चिपकाना है, जहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग जगह में जो जो डायनासोर थे वो यहाँ पे दिखेंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बोथ फॉर कबीर एंड फॉर मी, तो मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए आया ये। उसके बाद एक बुक है आई एम नॉट स्केयर्ड बुक, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसमें लिखा हुआ है कि वाई दिस पर्सन दिस कैट इज नॉट स्केयर्ड ऑफ अ मॉन्स्टर, इज नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस जायंट, is not scared of crocodiles, is not scared of vampires, is not scared of the staircase, the cellar। और ये डैन ब्राउन की लिखी हुई है, और डैन ब्राउन जैसे आप देख सकते हैं कि डेविंची कोड करके जो मूवी आई थी उसका ऑथर है डैन ब्राउन, ही इज अ वेरी वेरी फेमस ऑथर। तो डैन ब्राउन की लिखी हुई वाइल्ड सिम्फनी बुक है ये, बेसिकली ये बच्चों के लिए बनाया है, और काफी इंटरेस्टेड हूं मैं देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर। अलग अलग पोएम टाइप्स हैं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग पोएम है। कंगा 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 रू, टीच मी हाउ टू बाउंस लाइक यू, बाउंसिंग हाई, बाउंसिंग लो, बाउंसिंग एवरीवेयर यू गो, बाउंस टू रन, कबोइंग कबोइंग। सो इट्स नॉट योर ट्रेडिशनल राइम्स लाइक हम्प्टी डम्प्टी, बट द न्यू एज राइम्स फ्रॉम डैन ब्राउन, और आई एम एब्सोल्युटली अ फैन ऑफ हिज राइटिंग। सो आई थिंक द फैक्ट दैट ही इज रिटन समथिंग फॉर किड्स will be very very interesting to explore, plus it has wonderful illustrations. Yeah, so that's about it, and I wanted to share it with you, and I'll try and put links to these books, as many as I have, in the description box, so do check it out. It's lunch time for Kabir, so he's gonna have lunch now, and I'll see you on the other side. तो कभी ने आफ्टरनून नैप ली, उठ के वो अभी पार्क में गया हुआ है और मस्ती कर रहा होगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। बाहर लाइट लगानी है बैल्कनी में दिवाली की, वो काफी टाइम से पेंडिंग है, वो लगा रहा हूँ मैं। कुछ ग्रोसरीज हमने ऑर्डर करी थी, वो ग्रोसरी की डिलीवरी हुई है, तो उनको अच्छी तरह सैनिटाइज करके मुझे रखना है फ्रिज के अंदर, और ये करने के बाद मैं जाऊँगा पार्क में और कभी के साथ थोड़ी मस्ती करूंगा। आपको भी लेके चलने की कोशिश करेंगे। कबो अभी क्या करना है आपको? मूड है आज। मस्ती मूड में हो आप? हाँ चलो सोसाइटी दिखा दे, कितना लाइट लग रखे हैं सोसाइटी में। वेरी नाइस। अभी देख लो नायशा दीदी का होम, दैट वन ना, द टॉप वन। ऑलमोस्ट सबने लाइट्स लगा रखे हैं ना। हाँ। उस तरफ भी और बहुत सारे, नायशा और ने भी बहुत अच्छा लगाया। अभी लगाया मैंने, मतलब नाइस छत से लगाया। मेरे तुम्हारे सबके लिए सिंग। करो ऐसे, करो गोल गोल, करो गोल गोल, करो आगे, करो आगे ऐसे, करो गोल गोल। यस गोल गोल करो। हैप्पी दिवाली बाबू मेरे तुम्हारे सबके लिए। हाँ हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये Alright guys, so it's time to say good night। जैसे आपने देखा मुझे वीकेंड पे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपना कुकिंग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। प्रॉन्स मलाई करी जो बंगाली एक ऑथेंटिक डिश होती है और काफ़ी जगह पे बनता है, वो बनाने की कोशिश करूँ, और मुझे लग रहा है कि ठीक बन रहा है, बट वो कबीर खाएगा कि नहीं स्टिल अ मिस्ट्री, बट आई एम वेरी वेरी होपफुल कि उसको वो टेस्ट अच्छा लगेगा और वो इन्जॉय करेगा उस चीज़ को भी। तो इसके साथ मैं आप लोगों को बोलूँगा गुड नाइट, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, विल कंटिन्यू टू ब्रिंग मोर ब्लॉग्स फॉर यू गाइज, एंड दैट्स इट। थैंक यू so much, have a good weekend, bye bye।